जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लिथियम आयन की 12 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पास में कुछ होते हैं सेल होल्डर, तो मैं इन सबको जोड़ जाड़ के इकट्ठा करता हूँ और दोस्तों मैं सेल लगाना शुरू करता हूँ इसके अंदर। जो मैं पहले लाइन लगा रहा हूँ, प्लस की लगाऊंगा, फिर माइनस, फिर प्लस। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं पूरा बैटरी पैक बनाऊंगा 12 वोल्ट का। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मैं ये सेल होल्डर लगा लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, मैंने सेल होल्डर वगैरह लगा लिया है और मैंने एक एक लाइन में एक एक तार करके लगा ली है, आगे पीछे दोनों तरफ से लगा ली है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक तार और जोड़ के दिखाता हूँ इसमें कि किस प्रकार कनेक्शन करने होते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक तरफ से जो है तार जोड़ ली है, मैंने मैन प्लस माइनस की जो लाइन है वो छोड़ दी है, बाकी मैंने प्लस माइनस जोड़ दिया है आपस में। और दोस्तों, इसी प्रकार मैं पीछे पलट के भी ऐसे तार जोड़ लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने पीछे भी तार जोड़ दी है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार से बैटरी पैक बनाना है। तो दोस्तों, ये BMS है 12 वोल्ट का। तो दोस्तों, मैंने इसमें तारे वगैरह जोड़ दी है। दोस्तों, इसकी ना तारे बड़ा आसान है लगाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें 0 वोल्ट वाला जो है वो माइनस में लगेगा, और जो 4 वोल्ट वाला है जो उसी 0 वोल्ट के जो बैक साइड में प्लस वाले पॉइंट पे लगेगा। और दोस्तों, जो 8 वोल्ट का है वो उसके साथ में लगेगा, और जो लास्ट का 12 वोल्ट का बचा है दोस्तों, वो मैन प्लस वाली लाइन में लगेगा। तो दोस्तों, आप बाकी वीडियो में आपको देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लगाने में। 4 तार जोड़नी होती है। तो दोस्तों, ये 8 वोल्ट वाली तार हो गई है। BMS पे लिखा हुआ दोस्तों 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो उसी प्रकार से मैं तार जोड़ के उसके आपसे लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये लास्ट तार रहेगी है जो 12 वोल्ट की तार है ये। तो दोस्तों, ये प्लस वाले में जाएगी आखिरी के, तो मैं इसमें जोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आपको ना इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मतलब तार वगैरह मतलब थोड़ा अलग अलग रंग की लेनी पड़ेगी अगर आप बैटरी बनाते हो। तो मैंने तो एक ही रंग की तार लगा दी है, बाकी कुछ पहचान रख लेना कौन सा प्लस कौन सा माइनस है, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, क्योंकि माइनस प्लस कौन सा है तार मालूम नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने कनेक्शन वगैरह कर लिए हैं, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है बैटरी के अंदर। अगर दोस्तों 12 वोल्ट आता है तो बैटरी अपनी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बैटरी के अंदर 12 वोल्ट जा रहा है पूरा करंट, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपनी बैटरी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों, मैं इसको फटाफट से कवर वगैरह कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास में ये सीट रखी थी, तो मैंने इसी को काट पीट के इसका कवर बना दिया है। तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे पास में है प्लेटिना एच गियर 110 cc की बाइक। इसमें मैं आपको बैटरी चेक कराऊंगा, जो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी बनाई है ये। तो दोस्तों, आपको मैं वोल्टेज दिखाता हूँ इस बैटरी को, मैंने तार जोड़ रहा हूँ इसमें। तो
हैं दोस्तों, 12 वोल्ट ही आ रहा है इस बैटरी में। मैंने बहुत टाइम से बाइक नहीं चलाई है, जंग वगैरह खा रही है। तो दोस्तों मैं आपको इसके तार निकाल के दूसरी तार लगा के दिखाता हूँ दूसरी बैटरी के, फिर देखते हैं कि काम करती है या नहीं। दोस्तों मैंने तार निकाल के तार लगा लिए हैं इसके अंदर, प्लस माइनस अपने मैंने देख कर। दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी चालू करके कि गाड़ी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हो आपकी, मैंने वैसी गाड़ी ऑन करी, फटाफट गाड़ी ऑन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों मैं हॉर्न मार के दिखाता हूँ आपको।